नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामाबाद बोधन में AIMIM पार्टी के काउंसलरों की गिरफ्तारी, MLA शकील आमिर पर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम और हमला करने की कोशिश के खिलाफ BRS पार्टी कायदीन की जानिब से ACP किरण कुमार को तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। AIMIM पार्टी काउंसलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। गरीबों के हक के वास्ते, डबल बेडरूम और इंडिविजुअल लोनों के वास्ते, गरीबों के तैयार करके एक तरह से मजलिस के ऊपर मुस्लिम नुमाइंदे के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक MLA जो हमारे भोदन के हरदीर अजीज MLA जनाब मोहम्मद शकील आमिर साहब, जो हमेशा कौम के रूबरू रहे और कौम के साथ रहे, वैसे कैंडिडेट के लिए जानलेवा हमला करते हैं। मैं शदीद मजम्मत करता हूं और मैं जहां तक हो सके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से और प्रेस तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि खातिरों को कफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कल जो वाक़ा पेशा उसका बेहद अफसोस है। कल दारुल रोबन पर हमारे हरदीर अजीज MLA जनाब शकील आमिर साहब उसकी संगे बुनियाद के लिए कल दौरा करे थे, वहाँ पर अचानक उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको उस हादसे से बचाया है। ये सब बोधन के अवाम की दुआएं हैं। उनकी जो खिदमत थी, अल्लाह ताला उसी की बदौलत कल उनके पर रहम किया है और उसी की बदौलत वो कल वो उस हादसे से बच गए। लेकिन ये जो हरकत की गई है, ये काबिले नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हम पुलिस से अदबन गुजारिश करते हैं कि जो लोग भी कार्रवाई इसमें मुलविस है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि जो नाम आए हैं इसमें MLA की तरफ से अल्ताफ और क्या तो से नबी, इन लोगों का नाम आया और हमारे BRS पार्टी से भी कुछ काउंसलर इसमें मुलविस है, बोलिए जो तकनीक चल रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कर रही है। और फिर एक बार हम मुतालबा करते हैं कि जो जो लोग इसमें मुलविस है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।